हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन आर्मी की ओर से निकाली गई SSC टेक भर्ती, जिसमें मैन और वुमन दोनों शामिल है, 2024 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन आर्मी की ओर से SSC टेक मैन और वुमन के पदों के लिए वर्ष 2024 के लिए अपने रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई है दोस्तों। हालांकि इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन था वो दिसंबर में रिलीज हो गया था। जब इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था तो उसी समय मैंने एक वीडियो बनाया था कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म वो कब से कब तक भरा जाएगा। दोस्तों, इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो पहले डेट थी वो 18 जनवरी 2024 लास्ट डेट रखी दी गई थी, लेकिन किन्हीं कारणवश से जो इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी डेट है पोस्टपोन कर दी गई। अब इसके इंडियन आर्मी की ओर से SSC टेक के मेन और वुमन के पदों का डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। साथ ही जो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरने की डेट है वो 21 फरवरी 2024 लास्ट डेट रखी गई। इसका एप्लीकेशन फॉर्म इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भरना शुरू हो चुका है। दोस्तों, SSC टेक होता क्या है तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो बना रखा है, आप जाके सारे डिटेल्स चेक कर सकते हो। दोस्तों, जिन कैंडिडेट्स को इंडियन आर्मी में जाने की इच्छा है, जिन कैंडिडेट के पास में इंजीनियरिंग की डिग्री है, वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, कौन कौन से डिसिप्लिन को मौका दिया गया है। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिसपे मैं लगातार आपको अपडेट करता रहता हूँ। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिसपे हमें लगातार बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के द्वारा जो भी वैकेंसीज निकाल जाती है उससे संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, इंडियन आर्मी जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.joinindianarmy.nic.in, इसके द्वारा 63rd शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक मैन अक्टूबर 2024 और 34th शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक वुमन कोर्स अक्टूबर 2024 के लिए वैकेंसी निकाली गई, जिसमें डिफेंस पर्सनल की जो विधवा पत्नी है वो भी इसमें शामिल है। एप्लीकेशन है वो अनमेरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के निकाली गई, यानी इसमें सिर्फ मेल और अनमेरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट ही एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट्स के पास में इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन के क्वालिफिकेशंस है वो कैंडिडेट इसमें अपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो नेशनलिटी की बात करें तो इसमें इंडिया, नेपाल और भूटान के जो कैंडिडेट्स हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो SSC टेक 63rd मेन और SSC टेक वुमन 34th की बात करें तो एज लिमिट 20 से 27 वर्ष होनी जरूरी है 1 अक्टूबर 2024 को, यानी कैंडिडेट का जन्म है 2 अक्टूबर 1997 से लेकर 1 अक्टूबर 2004 के बीच में होना जरूरी है। इसी प्रकार से जो विधवा महिला है, जो कि आर्म फोर्स डिफेंस पर्सनल की, जिनके हस्बैंड वो गुजर चुके हैं, तो उनकी एज लिमिट है यहाँ पे मैक्सिमम 35 वर्ष रखी गई है। डेट ऑफ बर्थ है वो मेट्रिकुलेशन या सेकेंडरी स्कूल की जो एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग होने जरूरी है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अपन यहाँ पे बात करें तो कैंडिडेट है जिनके पास में इंजीनियरिंग में डिग्री है तो वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म हो सबमिट कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट्स की डिग्री आ चुकी है वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म हो सबमिट कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो विडो महिला है उनके लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन रखी गई है नॉन टेक के लिए, और जो SSC वुमन टेक है उनके लिए BE BTEC की क्वालिफिकेशन रखी गई है। यानी इसमें कुल मिला के बात करें तो कैंडिडेट के पास में BE या BTEC की क्वालिफिकेशन होने जरूरी है। अब यहाँ पे सबसे पहले वैकेंसीज की डिटेल दी है SSC टेक 63rd वुमन। सबसे पहले स्ट्रीम की बात करें तो यहाँ पे सिविल है, जिसके अंदर आप सिविल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर है। इसमें टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 75 वैकेंसी रखी गई, ये सिर्फ पुरुषों के लिए है, मेंस के लिए, फीमेल के लिए नीचे आपको मिलेगी। अब इसमें कौन कौन सी आप योग्यता है जो आप इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते समय आपके काम आएगी तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे कितने प्रकार की योग्यता है जो कि सिविल में शामिल की गई। उसके बाद कंप्यूटर साइंस की बात करें तो इसमें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, MSc कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसकी टोटल 60 वैकेंसी निकाली गई। यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग के कितने डिसिप्लिन है वो दिए हुए हैं, ये इसमें वैकेंसीज है, जिसमें आप देखते हो टोटल 13 स्ट्रीम है जो कि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद 13 नहीं, इसमें और भी
ज़्यादा यहाँ पे अप्लीकेशन फॉर्म लिखे गए हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंस्ट्रूमेंटेशन के यहाँ पे 33 वैकेंसी निकाली गई। यहाँ पे अलग अलग जो ब्रांच है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, डिसिप्लिन है यहाँ पे चेक कर सकते हो। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फाइबर ऑप्टिक्स टेलीकम्युनिकेशन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रोवेव ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स सेटेलाइट कम्युनिकेशंस के जो स्ट्रीम है वो कैंडिडेट अप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। आगे इसमें ब्रांचेज भी दी हुई, इसकी टोटल 64 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। उसके बाद आगे मैकेनिकल की बात करें तो इसमें मैकेनिकल प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट वर्कशॉप टेक्नोलॉजी एरोनॉटिकल एयरोस्पेस और एवियोनिक्स को शामिल किया गया है। यहाँ पे आप सब ब्रांच देख सकते हो, इसकी टोटल 101 वैकेंसीज निकाली गई है। उसके बाद में अपन बात करें मिसलेनियस इंजीनियरिंग स्ट्रीम जिसमें प्लास्टिक टेक रिमोट सेंसिंग और बैलिस्टिक्स बायोमेडिकल इंजीनियरिंग फूड टेक एग्रीकल्चर मेटलॉजिकल मेटलर्जी एंड एक्सप्लोसिव लेजर टेक बायोटेक रबर टेक्नोलॉजी केमिकल इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग माइनिंग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल की यहाँ पे बात करें टोटल 17 वैकेंसी निकाली गई। आगे आप यहाँ पे जो इक्विवेलेंट स्ट्रीम है यानी इसके समकक्ष कौन सी योग्यता है वो भी आप यहाँ पे दोनों चीज़ दी हुई है। जो इंजीनियरिंग की मेन स्ट्रीम है वो प्लस में जो इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस स्ट्रीम है वो, तो इस प्रकार से 63rd मेन्स के लिए 350 पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। फिर SSC टेक वुमन की बात करें तो इसमें सिविल के अंदर वही इसमें 3 दी हुई है जिसमें 7 आप यहाँ पे वैकेंसी देख सकते हो। यहाँ पे इक्विवेलेंट स्ट्रीम भी वही दिए हुए हैं। उसके बाद में कंप्यूटर साइंस की यहाँ पे 4 वैकेंसी निकाली गई है, फीमेल्स के लिए है, वुमेन्स के लिए। इलेक्ट्रिकल की यहाँ पे 3 वैकेंसी निकाली गई है, इलेक्ट्रॉनिक्स की यहाँ पे 6 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद में अपन बात करें मैकेनिकल की तो यहाँ पे 9 वैकेंसी निकाली गई है। आगे इस प्रकार से जो वुमन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 29 वैकेंसी निकाली गई। अब यहाँ पे जो विडो पर्सन है उनके लिए भी SSC वुमन टेक की 1 वैकेंसी, SSC वुमन नॉन टेक की 1 वैकेंसी निकाली गई जिनके पास में BE/BTECH की क्वालिफिकेशंस होने जरूरी है। कैंडिडेट वो ओनली एक ही पोस्ट के लिए एक डिसिप्लिन से अप्लाई कर सकता है, इससे ज़्यादा कैंडिडेट है वो अप्लीकेशन फॉर्म और सबमिट नहीं कर पाएगा। उसके बाद टाइप ऑफ कमीशन की बात करें तो ग्रांट ऑफ कमीशन है, कन्फर्मेशन ऑफ सोर्स सर्विस कमीशन यानी जब कैंडिडेट है उनकी ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद कैंडिडेट को शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल में जो लेफ्टिनेंट के जो रैंक है उसके समकक्ष कैंडिडेट को यहाँ पे परमानेंट कर दिया जाएगा। उसके बाद ट्रेनिंग है तो यहाँ पे कैंडिडेट को सबसे पहले तो इसमें क्या होगा, जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम के कैंडिडेट है उनकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको 49 सप्ताह के लिए यहाँ पे रखा जाएगा यानी 49 सप्ताह तक सबसे पहले कैंडिडेट की ट्रेनिंग होगी। जब ट्रेनिंग सक्सेसफुली हो जाएगी तो उसके बाद में कैंडिडेट को आगे रेगुलर कर दिया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट की ट्रेनिंग है उसके ऊपर सारी चीज़ डिपेंड करेगी। यहाँ पे टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट है तो यहाँ पे कैंडिडेट है उनको 10 साल के लिए यहाँ पे एंगेज किया जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो इसमें यह दी हुई है। उसके बाद में यहाँ पे कैंडिडेट जब उसकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो उसके बाद में कैंडिडेट को किन किन पोस्ट पे यहाँ पे प्रमोशन दिया जा सकता है तो इसमें लेफ्टिनेंट है, कैप्टन है, मेजर है, लेफ्टिनेंट कर्नल है, कर्नल है, फिर कर्नल है, फिर ब्रिगेडियर है, फिर मेजर जनरल है, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, HAG स्केल है, फिर HAG प्लस स्केल, एडमिसेबल टू 1/3 टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेफ्टिनेंट कैडर, फिर VCOS आर्मी कैडर, लेफ्टिनेंट जनरल NFSG है, फिर COAS यानी इन कैंडिडेट्स को यहाँ पे जो कैंडिडेट इन ट्रेनिंग में सक्सेसफुली पास होंगे तो उन कैंडिडेट इन इन पोस्ट के ऊपर लगाया जा सकता है। आगे प्रमोशन का आप क्राइटेरिया देख सकते हो, ओन कमीशन या कितने सर्विस कंप्लीट होने के बाद में आपको इस पोस्ट के ऊपर मौका मिलता है वो दिए, उसके आगे पे दिए लेफ्टिनेंट की यहाँ पे 56,100 से 1,77,500 रुपये सैलरी है, कैप्टन की 61,300 से 1,93,900 रुपये है, मेजर की 69,400 से 2,07,200 है, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल की 1,21,000 से 2,12,400 है, फिर कर्नल की बात करें तो 1,30,600 से 15,900 है, फिर ब्रिगेडियर की 1,39,600 से 2,17,600 है, फिर मेजर जनरल की 1,44,000 से 2,18,200 है, फिर लेफ्टिनेंट जनरल HAG स्केल की 1,82,200 से 2,24,100 रुपये है, फिर लेफ्टिनेंट जनरल HAG प्लस स्केल की 2,05,000 से 2,24,400 है। फिर आगे या दो वैकेंसी और डिवीजन के लेवल 17 और 18 है, इसमें 2,25,000 रुपये फिक्स कैंडिडेट को दिया जाएगा यानी कैंडिडेट को जिस रैंक के लिए सिलेक्ट किया जाएगा उसी रैंक की यहाँ पे पे स्केल कैंडिडेट को दी जाएगी। उसके अलावा जो मिलिट्री सर्विस MSP है वो भी कैंडिडेट को 15,500 रुपये यहाँ पे दी जाएगी, और जो फिक्स स्टाइफंड है जो कैडेट ट्रेनिंग है वो 56,100 रुपये पर मंथ है कैंडिडेट को शुरुआती तौर पर यहाँ पे
दिया जाएगा जब कैंडिडेट वो ट्रेनिंग के दौरान रहेंगे, उस समय 56,100 रुपये यहाँ पे दिए जाएंगे। उसके बाद क्वालिफिकेशंस ग्रांट है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें क्या क्या अलाउंस है। तो वो पैरा रिजर्व अलाउंस है 2,025 रुपये, टेक्निकल अलाउंस टायर फर्स्ट के 3,000 मंथ है और टेक्निकल अलाउंस टायर सेकंड के यहाँ पे 4,500 रुपये मंथ दिए। इसके बाद हार्ड ड्यूटी अलाउंस है तो हाई हार्ट्स में आप 125,000 है, और इसके बाद मीडियम में आपको 16,900, लो में आपको 5,300 रुपये मिलेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे रिस्क है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। यूनिफॉर्म बताया वो कैंडिडेट को 20,000 रुपये पर ईयर दिया जाएगा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस है तो वो भी कैंडिडेट को 7,200+ दे रोड और जो अदर प्लेस है जब वहाँ पे 3,600+ डीए यहाँ पे कैंडिडेट को दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कैंडिडेट को यहाँ पे मिलने में। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की बात करें तो 2,250 रुपये पर मंथ वो भी कैंडिडेट को मिलेंगे, जो कि नर्सरी से 12वीं तक मिलने वाले हैं। कैंडिडेट को यहाँ पे काफ़ी कुछ मिलने वाला है। कैंडिडेट को यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी सब्सिडी की बात करें तो 6,750 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड के हिसाब से आपको हॉस्टल सब्सिडी भी मिलेगी। यानी जो एक आदमी पर्सन को जितनी सुविधाएं मिलती है वो सारी आपको एसएससी टैग के थ्रू मिलने वाली है। यानी इसमें जो कैंडिडेट इंजीनियरिंग के क्वालिफिकेशन रखता है, जो इंडियन आर्मी में जाने का इच्छुक है, उन कैंडिडेट्स के लिए 5 में गोल्डन मौका है कि कैंडिडेट इसमें अपना अप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करके अपना सिलेक्शन करवा सकता है। दोस्तों इसमें आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस है वो भी कैंडिडेट को यहाँ पे मिलने वाला है। और हाउ टू अप्लाई की बात करें तो कैंडिडेट को अप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए www.joinindianarmy.nic.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, जहाँ पे ऑफिसर एंट्री अप्लाई लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन में जाना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट को यहाँ पे करना है और अप्लीकेशन फॉर्म हो यहाँ पे केयरफुली कैंडिडेट को अप्लीकेशन में करना है। एक बार अप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। जब कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो उसमें कैंडिडेट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, तो एक कॉपी जो आपने अप्लीकेशन फॉर्म भरी है वो लेके जाने, मेट्रिकुलेशन सेकेंडरी की मार्कशीट आपको लेके जानी है, इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ से संबंधित जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके जाने हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th की मार्कशीट, इंजीनियरिंग डिग्री की मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स आपको लेके जाने हैं। उसके बाद में आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने जरूरी है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले जो ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे उसमें कैंडिडेट को परसेंटेज के आधार पर प्रोविजनल तौर पर सिलेक्ट किया जाएगा। प्रोविजनल तौर पर सिलेक्ट करने के बाद वह कैंडिडेट है उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट को अलग अलग जो सेंटर अलॉट किए जाएंगे वहाँ पे कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए पहुँचना है। इंटरव्यू है यहाँ पे 2 स्टेज का होगा, स्टेज फर्स्ट और सेकेंड, और जो कैंडिडेट फेल हो जाएंगे स्टेज फर्स्ट में उन कैंडिडेट को सेम डे ही वापस भेज दिया जाएगा। इंटरव्यू का जो टोटल ड्यूरेशन वो 5 दिन का यहाँ पे रखा गया है, यानी कैंडिडेट को 5 दिन तक यहाँ पे रुकना पड़ेगा। कैंडिडेट है वो मेडिकली फिट होना जरूरी है। उसके बाद में कैंडिडेट को जो ज्वाइनिंग लेटर है इश्यू किया जाएगा। यहाँ पे कैंडिडेट का जो इंडियन आर्मी के जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग मेडिकल एग्जामिनेशन भी किया जाएगा। अब जो मेरिट लिस्ट है कैंडिडेट की वो एसएससी भी इंटरव्यू के आधार पर की जाएगी, यानी यहाँ पे अलग अलग डिसिप्लिन वाइज अलग अलग मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। उसके आधार पर कैंडिडेट को फिर ज्वाइनिंग लिस्ट है वो जारी की जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट है कि वो यदि वो रिक्वेस्ट करता है डेट चेंज करने के या फिर स्थान चेंज करने के, तो इस पर कोई विचार यहाँ पे नहीं किया जाएगा। दोस्तों अप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में कैंडिडेट को भरना है, जो कि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके फिलअप कर सकते हो। दोस्तों कुल मिला के अपन बात करें तो जो भी कैंडिडेट इसमें इंडियन आर्मी की में सेवा करने के इच्छुक हो उन कैंडिडेट्स के पास में अच्छा मौका है। इसमें कैंडिडेट को काफ़ी अच्छी पे स्केल मिलने वाली है। इसके साथ ही कैंडिडेट का जो भविष्य है वो भी एक तरीके से सुरक्षित हो जाएगा। तो कैंडिडेट एसएससी टेक में आपको कोई रिटर्न एग्जाम आपको यहाँ पे नहीं देना है, ओनली आपको इंटरव्यू के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा और उसके बाद आपसे ट्रेनिंग करवाई जाएगी। ट्रेनिंग करवाने के बाद यदि आप उस ट्रेनिंग में सक्सेसफुली उत्तीर्ण होते हैं तो उसके बाद में आपको यहाँ पे जो आर्मी के विभिन्न पद है उनमें जो आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, सॉरी मेरिट के अकॉर्डिंग जो है आपका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा और उसके बाद में आपको सारी फैसिलिटीज यहाँ पे मिलने वाली है। दोस्तों इस पीडीएफ का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके केयरफुली रीड कर लेना। जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यदि आप फुलफिल करते हो तो उसके बाद में इसका आप अप्लीकेशन फॉर्म हो सबमिट कर सकते हो। दोस्तों इसके बारे में अगर कोई अपडेट आएगी तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक दे दूंगा। फिलहाल इसके जो अप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है 21 फरवरी 2024 रखी गई है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका लिंक है वो एक्टिवेट हो चुका है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद दोस्तों।